दोस्तों, क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस इन दोनों खास दिनों पर तिरंगा फहराने के अलग अलग नियम होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र। और अगर अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। इसके बाद हमने अपना संविधान बनाया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसे हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं। गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस इन दोनों खास दिनों पर तिरंगा फहराने व इनको मनाने के नियम और तरीके अलग हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या खास अंतर है इन दोनों खास दिनों के में तिरंगा फहराने व इनको मनाने के तरीकों में। गणतंत्र दिवस के दिन देश के प्रथम नागरिक यानी देश के राष्ट्रपति देश के तिरंगे झंडे को फहराते हैं, जिसे फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। यह कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम लाल किले में आयोजित किया जाता है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री शामिल होकर देश के तिरंगे झंडे का ध्वजारोहण करते हैं, जिसे फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस इन दोनों खास दिनों को मनाने व तिरंगा झंडा फहराने के तरीकों व नियम में अंतर होता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगे झंडे को नीचे से ऊपर की ओर खींचकर ध्वजारोहण किया जाता है, जिसे फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के दिन झंडा ऊपर ही बंधा होता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है, जिसे फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। 15 अगस्त के दिन अक्सर आम बोलचाल की भाषा में हम लोग झंडा फहराना शब्द का उपयोग करते हैं, जो कि गलत है। गणतंत्र दिवस के दिन देश के राष्ट्रपति देश के तिरंगे झंडे को फहराते हैं। इसका कारण ये है कि देश के राष्ट्रपति देश के प्रमुख संवैधानिक पद पर होते हैं, जबकि स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री देश के तिरंगे झंडे का ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक पद पर होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।